मैंने देखा कि अदनान आ रहा भाई वाइल्ड कार्ड में। मैं देखना चाहता हूँ कटारिया वर्सेस अदनान भाई, माँ की तो कसम। गाइज फाइनली एलविस यादव ने रिएक्शन दे दिया बिग बॉस वाइल्ड कार्ड के ऊपर। आप में से ऑलमोस्ट सभी बंदे को पता चल ही गया होगा कि अदनान 07 का वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुका है बिग बॉस OTT 3 के अंदर। और आप सभी को पता होगा कि लव कटारिया, एलविस यादव और अदनान 07 का कितना बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी से पहले से। तो उन्हीं सब चीजों के ऊपर एलविस यादव ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और अदनान 07 के ऊपर कुछ रिप्लाई देते हुए अपना ब्लॉग वीडियो में बताया। आपसे मेरे देखो बिग बॉस तो चलता नहीं यहाँ पे। मैंने देखा कि अदनान आ रहा भाई वाइल्ड कार्ड में, माय फेवरेट कंटेस्टेंट भाई अदनान। अभी शायद मेरे साथ घर के अंदर चला गया, फिर नहीं गया मुझे पता नहीं, या फिर मेरे सोर्सेस से पता लगा मुझे, या फिर पता नहीं किसको पता, तो भूल गया मैं कि अदनान शेख इज कमिंग बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड। मैंने किया तो बहुत मजे वाली बात होगी, अब तो मैं देखूंगा। मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट आया, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कटारिया वर्सेस अदनान भाई, माँ की कसम। कि हमारे साइड का एक बंदा उस साइड का, उनसे तो पहले ही राइवलरी रहती है, राइवलरी तो नहीं रहता, वही जोक भी करते रहते हैं, बट मजा आएगा। मैंने देखा बड़े कमेंट कमेंट पास कर रहा था, पिछली बार भी पास कर रहा था मेरे टाइम पे, इस बार भी। मैं सोचू इसको इसलिए रखते हैं क्या कि इसको बुलाए माइक पे, अभी क्या सोचते हो तुम, ये बताया जी अजी सोचा, चल जाओ अब। तो अदनान भाई मैं तो अच्छा खुश हूं कि भाई ये एक ऐसा जना आया जो जिससे बनी नहीं सकती कभी अपनी ना, कि कभी बनी नहीं सकती, बनी नहीं पाएगी जिंदगी में ऐसे बंदों से। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के बाद एलविस यादव का ओपिनियन आप सभी को कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन राय कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।